तो की हालचाल से सरकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं वकार जका और CarryMinati के बारे में। तो भाई प्रीवियसली भी CarryMinati एंड वकार जका के बीच में थोड़ा सा ड्रामा हो चुका है। करीब 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पे वकार जका CarryMinati को रोस्ट किए थे एंड कैरी उसके ऊपर रिएक्ट किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद वो जाके आप देख सकते हो। तो वो इंसिडेंट होने के बाद उन लोग दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं, बट कल वकार जका अपने चैनल में वीडियो अपलोड किए कॉलिंग CarryMinati। इसमें बेसिकली वो एक चैलेंज दिए CarryMinati को, CarryMinati वकार जका के लाइव शो में आए जिसका नाम है कुछ हेडफोन शो, एंड उस शो में देख लिया जाएगा कि कौन अच्छी रोस्टिंग करता है। वो CarryMinati के अगेंस्ट भी कुछ कुछ बोले कि जैसे CarryMinati खाली एडिटिंग एंड स्क्रिप्टिंग करके अच्छा रोस्ट करते हैं, देन माँ बहन की गालियां वगैरह यूज करते हैं अपने वीडियो में एंड बिना परमिशन के वीडियोस को रोस्ट करते हैं। तो ये सब वो बोले CarryMinati के अगेंस्ट। इफ यू वॉन्ट टू गो एंड वॉच दिस वीडियो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बट आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि CarryMinati को ये शो में जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले रफ्तार एंड कृष्णा के बारे में। तो कल रफ्तार एंड कृष्णा का नया ट्रैक रिलीज हुआ था जिसका नाम है डैम, एंड इस ट्रैक के बाद थोड़ा सा हेट मिल रहा है रफ्तार एंड कृष्णा को, एंड इसी हेट के बारे में बात करते हुए दोनों लाइव आए थे इंस्टाग्राम में, एंड वहां पे वो लोग बताए कुछ कुछ रीजंस कि इस ट्रैक को क्यों हेट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताए द यूज ऑफ ऑटो ट्यून। रफ्तार कहे कि ये एक ट्रैप म्यूजिक है, तो इसमें ऑटो ट्यून वो यूज किए थे इन अ सरकास्टिक वे। वो ऑटो ट्यून यूज किए थे इस म्यूजिक में फॉर द सटायर, एंड ये मजाक लोगों को समझ नहीं आया। सेकंडली लोग सोच रहे थे कि भाई कृष्णा एंड रफ्तार आए हैं तो कुछ डिस्ट्रैक्ट वगैरह रिलीज होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो लोगों को थोड़ा सा मतलब खराब लगा। खराब नहीं, आई थिंक द करेक्ट वर्ड वुड बी अंडरवेलमिंग। एंड थर्डली वॉइस सिमिलर टू द पॉइंट वन, ये ट्रैप म्यूजिक था, समथिंग न्यू, तो बहुत लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, ये कुछ नया है इसलिए। तो उस लाइव स्ट्रीम में ये सब जो वो डिस्कस कर रहे थे कृष्णा एंड रफ्तार, वो क्लिप्स में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। गाना ट्रैप गाना है, इट्स अ सैटायर सॉन्ग, यानी कि थोड़ा सार्कास्म डालने की कोशिश करी हमने। जैसे काफी गाने हैं जो जिसमें वर्ड समझ नहीं आती है पर फिर भी वो गाने ऊपर चले जाते हैं और काफी हिट हो जाते हैं, वैसे ही जैसे नाचने के शौक में बात करी गई थी वो ही करने की कोशिश करी है। तो काफी लोगों को वो पार्ट शायद समझ नहीं आया कि हमने वो वहां पे मॉक किया, इट्स फन, हमने फन के लिए किया है कि ऐसे भी गा सकते हैं, पर यूजुअली हम ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो देयर वाज एन अटेम्प्ट And I think उसका point भी, the point of making that song like that was that auto tune, because otherwise वो नहीं डालते तो then it wouldn't have been like a, it wouldn't be satire at all, it would be just a regular song. मेरे को सबसे बड़ा reason बताऊँ क्या लगता है कृष्णा की, अभी जो माहौल चल रहा है आपका, जो तुम्हारा माहौल चल रहा है, तो I think बहुत लोग expect कर रहे थे कि you know when we come together कोई कुछ ऐसा होगा, but bro अब कितनी देर तक हम वो भी करेंगे, that's also a question ना, कि मतलब पूरी जिंदगी तो मैं एक ही टाइप के गाने नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है, तो वो एक बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाती है। मैं तो इसमें भी एंड में कहा था कि माँ ने था मेरी कहा दुश्मन को जाके तो गले लगा, तो मैं उस वाले जोन में हुई नहीं, बट बिकॉज यू एंड मी डिड अ ट्रैक लाइक दिस और अभी ये टाइम चल रहा है तो लोगों को लगा पैटर्न वही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं BeYouNick के बारे में। तो कल मैंने रिपोर्ट किया था न्यूज BeYouNick के बारे में कि वो द रॉक के मूवी में आने वाले हैं, तो वो सब कुछ बिल्कुल झूठ था, वो एक अप्रैल फूल्स प्रैंक था, एंड जी हाँ मैं भी फंस गया उस चीज में एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ इट। बट या उसके बारे में बात करते हुए BeYouNick एक वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम में, आप खुद देख सकते हैं। Finally, the rock has come back to Republic of Dumbibli. अभी ना मेरे को ये मत बोलना, हाँ मेरे को पहले ही मालूम था, मैं तो बोल ही रहा था। तुमने ये वीडियो खोला है ना, मतलब तुम बने हो एप्रिल फूल, ठीक है? अभी क्या करने का? अरे टैग योर फ्रेंड्स, पुट इट इन योर स्टोरी, सबको बनाओ। अब एक शाउट आउट टू अंतिम फ्रेंड हु मेड दिस फोटो लुक सुपर बिलीवेबल, एंड दिस गाय, शाउट आउट टू दिस गाय, आई डोंट नो हु दिस गाय इज, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार। मतलब तुम लोगों का सपोर्ट अगर बना रहा ना तो एक दिन सच में कोलैब करूंगा उसके साथ, इस बार लाइव जाऊंगा, इधर तुम लोग मानोगे नहीं ना, बाय। एंड इतना ही नहीं बल्कि मिथपैट भी जो बोले थे कि वो CarryMinati के साथ एक कोलैब वीडियो अपलोड करेंगे, वो एक कोलैब वीडियो नहीं था, वो बस एक अप्रैल फूल्स प्रैंक था, देयर वाज नो रियल CarryMinati इन दैट वीडियो। उस वीडियो में वो मेरे बारे में भी मेंशन किए थे, वो क्लिप आपको प्ले करके दिखाता हूं। नियॉन मैन की न्यूज में भी आ गए थे हम लोग, सॉरी। सो या आई थिंक इतने ही करेक्शंस करने थे आफ्टर ऑल दोज अप्रैल फूल्स प्रैंक। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो आपको पता होगा हर्ष बेनीवाल का एक नया वेब सीरीज लॉन्च हुआ है ऑल्ट बालाजी में जिसका नाम है हु इज योर डैडी, एंड इसी शो के फर्स्ट सीजन के 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। उसके बाद हर्ष बेनीवाल को काफी सपोर्ट मिला एंड उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे,
गाइस थैंक यू सो मच सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, सॉगी को इतना प्यार देने के लिए. और मैंने कल देखी सीरीज, मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को देख के. एंड आप लोगों से थैंक यू कहना था कि आप लोग जैसे मैं ये सब कर रहा हूँ और अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, और अगर आप नहीं होते तो ये नहीं होता पॉसिबल. सो थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू. ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो. आप लोग की वजह से मैं और काम करूँगा एंड आपको और जगह भी देखने को मिलूंगा. और यूट्यूब तो दिखता ही रहूँगा यूट्यूब पे, और बाहर भी मिलूंगा यूट्यूब के. उसके बाद किसी ने उनसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि वो यूट्यूब, वेब सीरीज एंड बॉलीवुड तीनों में काम कर चुके हैं, अगर उनको एक चूज करना हो तो वो क्या चूज करेंगे. उनका आंसर आप खुद सुन लीजिए. यूट्यूब, वेब सीरीज, बॉलीवुड, मेरे भाई देखो मुश्किल है बट क्लियर भी है बिल्कुल पिक्चर. अगर एक चूज करने को कहोगे तो वो ऑब्वियसली यूट्यूब है, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर. तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Xerox गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन Nomadic इंडियन ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन दिस इज सुमेश ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन एंग्री प्राश ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली फैक्टेक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. सो दैट्स इट. एंड मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर रहे हो, टारगेट है भाई 50,000 फॉलोअर्स पहुंचाने का उधर, तो जाके फॉलो कर देना @neonman01. लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. आज का लाइक एम रखते हैं 25,500 लाइक्स. आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना. एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर. एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपके पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में. सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.